एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से ही एक त्योहार होता है होली, जो 21 मार्च को मनाया जाने वाला है, जिसमें होलिका दहन कर उसकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ रंगों की भी होली खेली जाती है। होली में सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और बधाइयां देते हैं। इसमें बच्चे से लेके बड़ों तक सब मिलके रंग और गुलाल खेलते हैं। रंग भरी पिचकारी, गुलाल और पानी भी खेलते हैं। साथ ही नए पकवान भी बनाए जाते हैं। इस बार भी लोग बड़े उत्साहित हैं। मार्केट में रंग बिरंगी पिचकारी, गुलाल, रंग और कई तरह के खिलौने भी मिलते हैं। उसी के चलते इन सामानों के दुकान सजना चालू हो गया है। होली यह पावन त्योहार रंगों से खिलखिलाता यह खुशियों का त्योहार है, जहां एक तरफ होली में सब लोग अपने विवाद छोड़ पास आते हैं और रंग लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मनचले आशिक होली के नाम पर लड़कियों को छेड़ते हैं, इस पावन पर्व का गलत इस्तेमाल करते नजर आते हैं। पहले की होली और अब की होली में जमीन आसमान का फर्क है। पहले होली लोगों को पास लाती थी, लेकिन अब होली इस पावन पर्व का इस्तेमाल, छेड़छाड़, शराब पीने का मौका इस तक ही सीमित रह गया है। हर राज्य के अनुसार यह त्योहार अपने अपने तरीके से मनाने की रीत है। अभी हाल ही में आई हुई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में आपने देखा होगा कैसे हीरोइन हीरो को लाठी से मारती है। इसे लठमार होली कहते हैं। यह बरसामा में खेली जाती है। ऐसे ही यह होली का त्योहार हर राज्य में लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इस होली के पावन अवसर पर एमएनएस की टीम आपसे गुजारिश करना चाहती है, होली में पानी का कम इस्तेमाल करें। पानी अनमोल है, रासायनिक कलर के इस्तेमाल से बचें, साथ ही नेचुरल गुलाल से ही अपनी होली मनाएं, खुशियां बांटें और खुश रहे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।